दोस्तों इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में आज वीवो ने उनके दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। पहला स्मार्टफोन है वीवो T2 और दूसरा स्मार्टफोन है वीवो T2X। आज की इस वीडियो को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो में देने वाला हूं कि ये जो स्मार्टफोन है वो क्या कैसा निकल कर आया है, इस स्मार्टफोन के फीचर्स कैसे हैं, प्राइस पॉइंट कैसी है और आपको इस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीवो T2 स्मार्टफोन के बारे में बात करें सबसे पहले, तो वीवो T2 जो स्मार्टफोन है आपको इसमें अच्छी डिजाइनिंग देखने को मिलती है और यहां पर ये वीवो का एक सस्ता 5G स्मार्टफोन आप कह सकते हैं। डिजाइनिंग हालांकि वीवो ने फिर से वहीं पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है, इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो एक कमी सबसे पहले मुझे इस स्मार्टफोन में लगी कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है, जबकि अभी 2023 आ गया यार और बहुत सारे मतलब जो भी 15,000 या फिर अभी 10,000 रुपए के स्मार्टफोन में भी सेंटर पंच होल आ रहा है। तो ऐसे में वीवो को अपने डिजाइनिंग को अपग्रेड करना चाहिए। वीवो वाले क्या कर रहे हैं, इसके साथ में अगर बात करूं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, तो आपको 6.38 इंचेस की एक 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले काफी अच्छी है, वीवो ने काफी अच्छा काम किया है। आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली अभी सभी स्मार्टफोन में कॉपी पेस्ट चल रहा है और जितने भी स्मार्टफोन्स है वो अपने 2-3-4 स्मार्टफोन तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 पे लॉन्च कर ही रहे हैं। तो वीवो ने भी अपना ये स्मार्टफोन लॉन्च किया इसी प्रोसेसर पे। 64 मेगापिक्सल का आपको OIS बेस्ड रियर कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें जो इमेज वगैरह है वो काफी अच्छी आने वाली है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है और आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। USB टाइप सी पोर्ट इस स्मार्टफोन अवेलेबल है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात जो कि आपको इस स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। 6GB 128GB 8GB 128GB स्टोरेज वेरियंट पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो वीवो का स्मार्टफोन काफी अच्छा है और वीवो ने इस स्मार्टफोन पे काफी अच्छा काम किया है, और अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस स्मार्टफोन साथ में जा सकते हैं। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला जो स्मार्टफोन है वो निकल गया है वीवो T2X, और ये वीवो T2 स्मार्टफोन से सस्ता स्मार्टफोन आपको देखने को मिला है। हालांकि ये स्मार्टफोन भी 5G है। सबसे पहले बात करूं स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो यार वीवो T2 स्मार्टफोन जैसी डिजाइनिंग देखने को मिलती है। अब वीवो T2 में सेंटर पंच होल नहीं है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सेंटर पंच होल होगा। तो यहां पर भी नॉर्मली आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलती है। पीछे की साइड डुअल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है। आपको 6.58 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलती है। AMOLED वगैरह नहीं है और Dimensity 6020 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि MediaTek Dimensity सीरीज का एक सस्ता 5G प्रोसेसर है। आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी, 18W का चार्जर, USB टाइप सी पोर्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। 4GB वेरिएंट से यह स्मार्टफोन स्टार्ट होता है, 8/128GB वेरिएंट तक यह स्मार्टफोन जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पूरे स्पेसिफिकेशन जो कि आपको वीवो T2X 5G स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। हालांकि वीवो की जो टी सीरीज होती है वो काफी अच्छी होती है प्राइस के हिसाब से, और वीवो ने अपने टी सीरीज पे काफी अच्छा काम किया है, सस्ते में स्मार्टफोन्स को अवेलेबल कराने की कोशिश की है। अब यहां पर काफी लोग बोले थे कि क्या इसकी जो प्राइस है वो 11-12 हज़ार रुपए के करीब होगी, तो प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाइए चेक करिए कि प्राइस क्या है और यहां पर मुझे कमेंट बताइएगा कि आप इस प्राइस पॉइंट पर इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना है, या इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।